बस कैसे हैं आप? आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का चिल्ला। तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। आधी कटोरी सूजी, आधी कटोरी दही, एक प्याज, एक हरी मिर्च, एक टमाटर, काली मिर्च और आधा कप पानी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम सूजी और दही को मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसमें। यहाँ हमने सूजी और दही को मिक्स कर लिया है। इसमें हम प्याज ऐड करेंगे और एक हरी मिर्च, टमाटर और आधा चम्मच नमक और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे और सबको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में 10 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद में अपन चेक करेंगे, थोड़ा ये फूल के ऊपर आ जाएगा, फिर सूजी का चिल्ला बनाना शुरू करेंगे। 10 मिनट के बाद में अपनी सूजी तैयार है। चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। यहाँ मैंने गैस ऑन कर दिया है, तो थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, तो थोड़ा सा गर्म होने दीजिए। गर्म होने के बाद में इस पे एक चम्मच में लेके हल्का सा ऐसे डाल के हल्का हल्का घुमाइए। और चारों तरफ से हल्का हल्का तेल डाल दीजिए। 5 मिनट तक इसको ऐसे रहने दीजिए। 5 मिनट होने के बाद में हमने इसको पलट दिया है। इसको भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ऊपर और थोड़ा थोड़ा साइड में डाल देंगे। इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दो से तीन मिनट के बाद में हम देखेंगे कि हमारा चिल्ला रेडी है। इसी तरह हम दूसरा चिल्ला भी रेडी कर लेते हैं। इसको भी ऐसे ही पूरे थोड़ा थोड़ा तवे पे फैला देना हल्के हल्के हाथों से। और वही साइड में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और थोड़ा ऊपर भी डाल देंगे। इसको भी 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये हमारा चिल्ला रेडी हो गया है। इसको गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको सर्व करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो कृपया इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।